हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खेलो नागपुर। मैं हूं संदीप और स्वागत है आपका हमारे इस वंडरफुल स्पोर्ट्स चैनल में जिसका नाम है खेलो नागपुर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये चैनल शहर की अलग अलग स्पोर्ट्स फैसिलिटी, शहर की अलग अलग स्पोर्ट्स एकेडमीज, कोचेस और स्टार प्लेयर्स से आपको मिलाता है, वहाँ आपसे मुलाकात करवाता है, उनके बारे में आपको बताता है। ऐसे में आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ सुभाष रेवतकर जी से मुलाकात करवाने, जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर है नागपुर डिवीजन के, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज जिसे चलाती है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जो आज इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज, ये एमिनिटीज जो अवेलेबल है, इसका सारा क्रेडिट जाता है सुभाष रेवतकर सर को। आइए दोस्तों मुलाकात करें रेवतकर सर से, जाने उनके एफर्ट्स के बारे में, जाने उनकी सक्सेस जर्नी के बारे में। मेरा परिचय है सुभाष बाजीराव जी रेवतकर। मैं नागपुर में डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर एवं उपसंचालक क्रीड़ा व युवक सेवा नागपुर विभाग में काम करता हूँ। मेरी सर्विस को 29 साल हो गए। मैं स्पोर्ट्स में ही, मैंने फैसला किया था कि भाई मैं स्पोर्ट्स में ही काम करूँगा। जब मैं इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुआ तो मैं एक क्रीड़ा अधिकारी करके ज्वाइन हुआ था, और बाद में जब MPSC के मैं एग्ज़ाम दे रहा था, एग्ज़ाम देते देते तहसीलदार के लिए मैं चुना था, PSI के लिए भी चुना था, लेकिन मेरा मन उसमें नहीं लगता था। मैंने इसके पहले समाज कल्याण में MSW किया था, इसे समाज कल्याण में भी नौकरी की, फिर भी मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स का आदमी था। कबड्डी मेरा नेशनल गेम था, मेरा खेल था, कबड्डी में नेशनल खेला था, और रुचि जो थी कि खेल को जो जिस परिस्थिति में मैं खेलता था, उस परिस्थिति को आज के परिस्थिति से अनुकूल बनाने के लिए मैं रात दिन सोचा करता था। और ऐसा ही समय अवसर मिला और ये डिपार्टमेंट में आने का अवसर मिला। जिला क्रीड़ा अधिकारी की महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की जो जगह निकली, उसमें मैंने फॉर्म भरा और मेरा सिलेक्शन हुआ, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि इस डिपार्टमेंट में मेरे को नौकरी करने के लिए एक चांस मिला है। ये चांस यानी चांस नहीं है, ये एक कर्तव्य है, कर्म करने का है। ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर करके मेरा ट्रांसफ़र पहली बार लगने के बाद पुणे में हुआ। पुणे में जाने के बाद वहाँ पे मेरे को अवसर मिला। 96 में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की भी एक पॉलिसी बनाई, वो पॉलिसी जो उस वक्त हमारे जो मेनी मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर जो जोशी साहब थे, और उनके तरफ हमारा क्रीड़ा खाता था। उनको मैंने एक कल्पना बताई और उनको बताया कि भाई सर, अपनी ऐसे स्पोर्ट्स पॉलिसी होना है, और भारत में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है कि उसकी स्पोर्ट्स पॉलिसी है, और 96 में वो पॉलिसी एक ही इसमें पास हो गई और उसका इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद में 2012 में उसका सर्वे हुआ, 2012 में भी उसमें बहुत सारे योजनाएं आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की स्कीम आ गई। उसमें हमने जो आज जो पूरे महाराष्ट्र में हर जिले में, हर तालुका में, हर गाँव में एक ग्राम क्रीड़ा संकुल, तालुका क्रीड़ा संकुल, जिला क्रीड़ा संकुल की स्कीम बनाई है। नहीं इंटरनेशनल लेवल की तो नेशनल लेवल की सुविधा होनी चाहिए, ये मेरा सपना था और वो कामयाब हुआ। और आज पूरे महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की स्कीम के अंदर से अपने जो गेम हो रहे हैं वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहे हैं। अब नागपुर में जब मैं उपसंचालक करके आया था तो उस वक्त यहाँ नागपुर में ये जो डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना, सिर्फ एक इंडोर हॉल बना था, लेकिन बाकी सब मैदान नहीं थे, एथलेटिक सिंथेटिक ट्रैक नहीं था, डिस्प्यूट में काम चल रहे थे सभी। मैंने निर्णय लिया कि नहीं, गांव वालों, यहाँ नागपुर वासियों को मैंने अभिवचन दिया कि मैं भाई 11 महीने के अंदर, एक साल के अंदर आपको सिंथेटिक ट्रैक बना के दूंगा, और वो मैंने सिंथेटिक ट्रैक बना के दिया। आज उसका उद्घाटन किया, चालू किया, आते हैं कम ज़्यादा होता है। और अपना ये जो इंडोर स्टेडियम था, इंडोर हॉल था, उसमें सिर्फ कुछ गेम होते थे, लेकिन इसको इतना पब्लिक आओ और खेलो, ये पॉलिसी अपना के बच्चों को यहाँ, लोगों को यहाँ बुला के मैंने एक ट्रेंड निर्माण किया। और आज यहाँ पे ऐसे करीबन सवेरे से लेकर सवेरे 5 बजे हमारा स्टेडियम खुलता है तो रात को 11 बजे बंद होता है। इस दरमियान हमारे यहाँ जिमनास्टिक, बॉक्सिंग, जूडो, कराटे, बैडमिंटन और भी सारे गेम यहाँ पे खेले जा रहे हैं। फुटबॉल है, फुटबॉल की एकेडमी हमने शुरू की है, हॉकी होता है, सब ऐसे सभी गेम को, हमारी प्रभुदेनी की हैंडबॉल की भी टीम है, सभी गेम को बढ़ावा देके हमने यहाँ पे किया। यहाँ तक कि नहीं कि नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा के कंपटीशन आयोजित होना चाहिए,
ये भी सपना देखा और सेवंथ एशियन स्कूल गेम ऐसी यहाँ पे आयोजित करके हमने एक सक्सेस इवेंट नागपुर वासियों को दिया है। ये तो ये भी नहीं, लेकिन जो कि आजकल प्रो कबड्डी जो है वो बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन नागपुर में नहीं होता है, पूना, बॉम्बे, बेंगलोर, हाँ, जयपुर, वो सिटी में होता है, लेकिन नागपुर में आने के लिए कोई तैयार नहीं था। स्टार स्पोर्ट्स से मैंने एक बार पहचान करवाया और उनको बताया कि भाई नागपुर में हमारे यहाँ आके देखो, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप लोग आके यहाँ पे अपना ये करो। तो उन्होंने आए देखे और उनको लगा कि अरे बहुत अच्छा है। तो लास्ट टाइम यहाँ पे बेंगलोर के ब्लू बुल्स ने यहाँ पे प्रो कबड्डी आयोजित किया। अभी इस साल अभिषेक बच्चन की जो जयपुर टीम का है, पैंथर्स है, वो उनकी टीम यहाँ पे आके उन्होंने हमको बोला कि भाई हमारे को यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन करना है, यू विल गिव द परमिशन। हमने उनको परमिशन देने का प्रयास हमारे कमेंट में रखा है उनको यार। और ये आज कबड्डी प्रो कबड्डी जो कि महाराष्ट्र के अच्छा यानी परफॉर्मेंस करने वाला गेम हम यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं। यही नहीं कि यहाँ पे साइना, सिंधु, नेहवाल आके नागपुर वासियों को एक परवनी दी है। इतना अच्छा आयोजन नागपुर में आज तक कभी हुआ नहीं। मैंने अभिवचन जो दिया था कि हाँ एक बढ़ावा स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स आयोजन के लिए, बच्चों को स्पोर्ट्स में शामिल करने के लिए, हेल्दी एंड हेल्दी वातावरण तैयार करने के लिए एक माहौल बनाने का मैंने सपना देखा था और ये मैंने यहाँ पे पूरा करने के। आज हमारे विभागीय क्रीड़ा संस्कूल में बहुत सारी कमियाँ हैं, बहुत सारी उनिमा है, आज सब सारे प्रॉब्लम हैं, इसके ऊपर भी हम बात करके चल रहे हैं। अभी यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ हॉकी का मैदान हम 2 साल से प्रपोजल डाला है, लेकिन अभी खेलो इंडिया की स्कीम आई है, हमने उसमें भी वही प्रपोजल डाला है, इस साल हमें वो मंजूर होने की आशा है। अगर एस्ट्रोटर्फ का मैदान अगर हो गया तो ये पहला विदर्भ में एस्ट्रोटर्फ हॉकी का मैदान हो, जाके आज बॉम्बे और सिर्फ पूना में एस्ट्रोटर्फ है, बाकी महाराष्ट्र में कई जगह पर नहीं है, लेकिन ये अपन नागपुर में ये सुविधा निर्माण करने का प्रयास यहाँ पर अपन कर रहे हैं। बच्चों को हम यहाँ पर अंडर 14 के जो लड़के हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है और बाकी लड़कों को हम जो है थोड़ा नॉमिनल भी। लेकिन ये क्या है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई नहीं तुम कार्यक्रम आयोजित करते उसके वजह से खेल का नुकसान होता है, ऐसा ये सब तरफ से पेपर में भी मीडिया में भी ये अफवाह आती है। मेंटेन इस हत्ती को मेंटेन करना, ये वाइट एलिफेंट है, इस एलिफेंट को मेंटेन करना बोले तो आज सादी बात नहीं है। इलेक्ट्रिक का बिल जो है वो करीबन 3.5 लाख रुपये आता है और बाकी का खर्चा और भी है, मेंटेनेंस के लिए पानी बिल है, सब कुछ है, साफ़ सफाई है, लेकिन लोगों को ये समझता नहीं कि भाई ये पैसा कहाँ से आएगा। गवर्नमेंट ने तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम बनाई, लेकिन मेंटेनेंस के लिए शासन निर्णय में ही ऐसा लिखा है कि समिति ने अपना मेंटेनेंस के लिए खुद का पैसा खड़ा करने का और इसको खुद को मेंटेन करने का। अगर हम इस तरह से मेंटेन करने के लिए इतर प्रोग्राम अगर नहीं लेंगे तो ये मेंटेन नहीं होगा और एक दिन इसको लॉक लगाना पड़ेगा। तो लोगों ने समझना चाहिए, लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं भाई ये भी चलना चाहिए, ये भी चलना चाहिए। आज मैं दावे से कह सकता हूँ कि अदर कार्यक्रम जो है वो 1% भी नहीं है, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन कम से कम अपना जो है वो 75-80% स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। अब ये बातें अगर लोगों ने अपने को सपोर्ट किया तो स्पोर्ट्स और इससे ये भी एक हॉल के साथ और दूसरा हॉल तैयार करेंगे और ये हॉल जो है खेलने के लिए रख के कार्यक्रम के लिए अपन दूसरा हॉल भी बना सकते हैं। यूथ हॉस्टल का स्कीम अपना मंजूर ने अपने पूना में मंजूर हुआ, औरंगाबाद में मंजूर हुआ, लेकिन अपने को मंजूर नहीं होता था। मैं रातों रात मैं जोशी जो है अपने उनसे बात किया, अपने पक्ष नेता, मैंने बोला देखो अपने यहाँ यूथ हॉस्टल की सब जगह मंजूर हुई लेकिन अपने यहाँ मंजूर नहीं हुए। उन्होंने नितिन जी गडकरी के साथ बात करके अपनी ये स्कीम को मंजूर करवाया और अपने को 4 करोड़ रुपया यूथ हॉस्टल बांधकाम के लिए यहाँ पे मिला है। ऐसा यानी एक एक्टिव काम होना चाहिए, करना चाहिए, सिर्फ नौकरी मिली पेट भरने के लिए काम करना ये उद्देश्य अगर रखा तो अपन जीवन में सफलता नहीं करते। लोगों के लिए काम करने के लिए अपने को लोगों ने यहाँ पे बिठाया है, लोगों के भावनाओं को समझना, खेल को समझना, बच्चों को समझना, बच्चों के खेल को समझना, ये भावना अगर है तो भविष्य में अपना देश भारत ये खेल में बहुत प्रगति करेगा। और अभी पॉलिसी भी है खेलो इंडिया, अपने जो नए खेल मंत्री है केंद्र सरकार के, उन्होंने भी नई पॉलिसी अडॉप्ट की है और पूरे देश में ये खेल प्रतियोगिता जो और आधा पढ़ाई ऐसा एक सपना उन्होंने लाया, ये बहुत ही अच्छा है। और अपना नागपुर
एक दिन भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो अपने एथलेटिक में चमक ही रहे, क्योंकि एक ऐसा माहौल था कि हैंडबॉल में अपन नंबर वन थे, आज अपन अपने यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी अच्छे अच्छे लड़के अपन ने, यादव जैसे लड़का अपन ने अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स में दिया, गरीब घर का लड़का। स्पोर्ट्स गरीबों में पलता है, बड़े लोगों में पलता नहीं है, लेकिन वो जानने वाला पहचानने वाला, उसकी पहचान अगर है तो वही आदमी उनको सामने ला के इसमें तरक्की कर सकता है। और ये जो डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इसको अपन खेल के लिए ही करेंगे ऐसा मैं लोगों को दावा देता हूँ। जो कार्यक्रम है वो थोड़े बार करके अपन मेंटेन के लिए पैसा खड़े करेंगे, आप मेरे को सपोर्ट करो। और जो बच्चे तैयार हो रहे, जो बच्चे यहाँ के खेल रहे हैं, पहले 10-12 लड़के खेलते थे, आज यहाँ पे करीबन नहीं तो भी डेढ़ हज़ार से 2,000 बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, एथलेटिक में खेल रहे हैं। क्रिकेट का यहाँ पे अपन ने एक पिच बनाया, क्रिकेट के लिए अपन ने बच्चों को ये तैयार किया, उनके लिए ओपन कर दिया। ये सब फैसिलिटी अपन यहाँ पे बंजर पड़ा था, उसको आज मैंने खेल के लिए मैदान के एक जीवन का सपना बनाने के कोशिश करने का प्रयत्न किया। और ये नागपुर वासियों के लिए मैं एक ये खेल के बारे में बताना चाहता था, बता दिया। मैं नागपुर वासियों को, विदर्भ वासियों को ये बोलना चाहता हूँ, खेलो नागपुर खेलो इंडिया, यही एक मंत्र अपनाओ और भारत को सुदृढ़ और सशक्त बनाओ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारा वीडियोस पसंद किया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों, आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट रिपोर्ट, लेटेस्ट एबिलिटी, लेटेस्ट वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, जिसका नाम है खेलो नागपुर। थैंक्स, बाय बाय।